खबर जनपद बहराइच से, किशोर की गला दबाकर हत्या का शव को तालाब में फेंका। घटने को आत्महत्या के रूप में देने के लिए शव को तालाब में फेंका, नहीं दर्ज हुआ मुकदमा। और नाराज परिजनों ने शव को चौराहे पर रखकर किया जाम। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। तो वही रानीपुर हजूरपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोर की गला दबाकर हत्या कर उसका शव आत्महत्या के रूप में दिखाने के लिए तालाब में फेंक दिया गया। तो वही पूरा मामले में पुलिस के हिलाफोली से नाराज परिजनों ने शव को चौराहे पर रखकर जाम लगा दिया गया और कुछ अधिकारियों से आरोपियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। पूरा मामला थाना रानीपुर क्षेत्र के गोबराहा गांव का, हरिद्वार पूर्वा गांव का पूरा मामला है। देखिए खास रिपोर्ट आसिफ सिद्दीकी के साथ। तो फोन आते क्या बताया गया था? ये शाम के हैं फोन की हैं हमारे भाई के पास कि आओ अपना लड़का ले जाओ और हिसाब कराओ। काहे के लिए? लड़का कब से काम कर रहा था? तो कहन की चलो ठीक है, कहन झगड़ा लड़ाई हुआ तो 14 साल से लड़का काम करता है। हाँ नहीं, 8-9 साल हो गए लड़का उनके वहाँ काम करता है। 14 साल के लड़का है। हाँ उसके बाद में यहाँ जब यहाँ पर हम सुबह को जैसे इनके गाड़ी में तेल ना रहा, सुबह हमसे कहें कि उर्दू में चलाओ चली एक और कही है। तो हुआ से खबर आवा फोन हमरे दिए ना हुआ कि जैसे भैया लड़का आपके यहाँ से ठीक गायब हो चुका है 5 बजे लेटरिन के हैं। उसका चप्पल मिला है पुलिया के पास में जो अपना सुनने में आ रहा है कुआं में डुबो दिए हैं। ना कुआं में ना डुबोए नहीं है, जैसे चिकोरा और टिकोरा जो ना उसके आगे पेट्रोल पंप है, उसके आगे उसके उससे और थोड़ा पहले ये पुलिया है, पुलिया के बगल में है, कोहना भर पानी रहा है, वही बिरियन काना लड़का के चप्पल पड़ा है जो लेटरिन का यहाँ गवा रहा है और डब्बा पड़ा रहा है वही के पास में है। जब सवेरे हेरिन डोड़ी नहीं है कि जब तुम्हारे यहाँ लड़का रहा है तो हमारे कहा मतलब है कि जैसे हुआ और हमारा कोई दुश्मन है नहीं तो वो कब मारे उसको। सही दिन से लौंडा उसके बाद में मिला था, उसके बाद में ब्लड उलट तो लड़का कहन वही मार के हुआ डबोट दे नहीं है। जब सवेरे थाना लड़का फिर हुआ फिर यहाँ गवाह है उसका भाई तो उसने पूरी वीडियो बनाया उसका मोबाइल कार्रवाई कर रही कि नहीं है। पुलिस साथ में रही फिर उसके बाद में लड़का जो गवाह था उसने वीडियो बनाया, वो वीडियो उसके पास में है थाने में, मोबाइल उसका जमा हो गया है उसके पास में है और हमारे पास पुलिस कार्रवाई नहीं किया कुछ लिखी पुलिस वाले नहीं कोई सुन रहे हैं कोई नहीं सुन कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है यहाँ भी नहीं सुनवाई हो रही है ना देहात कोतवाली में कहीं सुनवाई नहीं पे, वहाँ पे आसपास में बोल रहे थे रात को लड़ाई हुई 12-1 बजे के बाद हमको नहीं कोई पता है क्योंकि हमारा घर यहाँ है उनका घर वहाँ सुनने में आया है वहाँ आसपास में बोल रहे हैं। तो ये हम लोग नहीं